गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ जनसार किशोर फ्रॉम नौकर इंस्टीट्यूट। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 11 द सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ओके, ये जो लेसन है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये पेज नंबर 4 जिसमें यहाँ पर दिया है आई हैव ऑल्सो, यहाँ तक ये लेसन क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। तो चलो अभी हम उससे आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी, फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी यानी हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ही से उसने कहा लेट्स होप सो गेट डाउन। लेट्स होप सो कि भाई चलो आपको वो चांस देता है तो अच्छी बात है, चलो तो भी नीचे उतर जा। ऑल राइट आई से ओके, बट रिमेंबर लेकिन याद रखना यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन आपको याद रखना है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं भी क्या करूँगा, अकेले ये हॉर्स पर क्या करूँगा, राइड करूँगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels. मैं हॉर्स से नीचे आ गया और मेरा जो कज़िन मुराद था उसने kicked his heels, उसने जो बूट पहने थे उसकी जो हील थी वो हील उसने क्या की, ज़ोर से किक लगाई यानी हॉर्स को मारा। into the horse and shouted, और हॉर्स को मारने के बाद वो एकदम आवाज़ निकाली वज़ायर रन। तो वज़ायरिन उसका क्या था, नाम, यानी उसको नाम तो कहीं से चुराया था, उसको नाम पता नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी तरह से नाम लिख बना दिया था वज़ायर रन। ओके, द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हैंड लेग्स, हैंड लेग्स यानी पीछे वाले लेग यानी आगे के पैर क्या करता है, उठाता है। जैसे उसने इस तरह से कहा कि जो हॉर्स था उसने अपने आगे के पैर क्या किए, उठा लिए यानी पीछे के दो पैर पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। Snorted and burst into a fury. Snorted, उसने जैसे आवाज़ निकाला और फिर वो burst यानी एकदम इतना ज़ोर से भागना। Fury of the speed, एकदम बहुत ही स्पीड से वो भागा। That was the loveliest, वो जो सीन था वो बहुत ही loveliest था, loveliest thing I had ever seen. ये बहुत ही अच्छा एक सीन था कि मैंने आज तक ऐसा सीन कभी देखा नहीं था। क्योंकि आगे बात की है कि जो अरम था वो आज तक कभी भी वो हॉर्स पर उसने राइड की नहीं थी। फर्स्ट टाइम उसको चांस मिला था हॉर्स पर राइड करने का, और ये जो मुराद है वो उसके ऊपर बैठकर जैसे किक मारकर हॉर्स को दो पैर से क्या करता है, आगे के जो पैर थे वो एकदम उठा लेता है, यानी पीछे के पैर पर हॉर्स खड़ा रहता है, आवाज़ करता है और बहुत ही स्पीड से वो क्या करता है, भागता है। तो ये जो सीन था ये आराम के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था जो उसने आज तक कभी देखा नहीं था। माई कज़िन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड टू ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, अक्रॉस्ड the ditch on the horse and 5 minutes later return dripping wet. तो मेरा जो कज़िन था मुराद वो जैसे हॉर्स की रेस लगा रहा था, कोई रेस में उसके साथ नहीं था लेकिन जैसे हॉर्स को बहुत ही स्पीड में भगा रहा था across the field, कहाँ पर, जो आसपास जो फील्ड थी वो फील्ड में ड्राई ग्रास, वहाँ पर जो ग्रास था वो कैसा था, सूख गया था। तो ड्राई ग्रास में ये हॉर्स को क्या करता है, भगाता है और वहाँ से कहाँ ले जाता है, इरीगेशन डिच, जो इरीगेशन के लिए जो पानी यूज़ होता था उसके लिए वहाँ जो खड्डे बनाए थे वो खड्डे को क्या करता था, कुदवाता था। ओके, यानी कभी इसे अंदर से भी लेकर जाता था एक्रॉस द डिच के, उसको ऊपर जंप लगाता था ऑन द हॉर्स, हॉर्स के ऊपर बैठकर ही वो जो डिच पे क्या करता था, जंप लगाता था। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और इस तरह से उसने 5 मिनट तक अकेले ये हॉर्स को लेकर क्या करता रहा, घूमता रहा, और 5 मिनट्स के बाद ये जो मुराद था वो वापस आया ड्रिपिंग वेट,
अभी वो पूरा गीला था, यानी ये जो ड्रिप इरिगेशन डिच था शायद उसके अंदर से एक बार होर्स क्या हो गया, चला गया होगा कि जिसकी वजह से वो पूरा गीला हो गया होगा, या फिर उसके होर्स जंप लगते टाइम उसके पैर जैसे अंदर पड़ेंगे तो पानी क्या होगा उछलेगा, और पानी उछलेगा तो वो भी उसकी वजह से भी शायद मुराद क्या हो गया, गीला हो गया। इसीलिए बता रहा है कि ड्रिपिंग वेट वो पूरा गीला हो गया था और पानी जिसके ऊपर से नीचे गिर रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, अभी धीरे धीरे जो सन था वो कमिंग अप यानी ऊपर की तरफ आ रहा था, दैट मीन्स बता रहे कि दिन हो रहा था, क्योंकि ये जो मुराद था वो अरम को 4 बजे अर्ली मॉर्निंग पे जब पूरा दिन कंप्लीट हुआ नहीं था, यानी लाइट नहीं आई थी, लेकिन अभी जैसे ही सन धीरे धीरे अप होता है तो पूरी लाइट क्या हो जाएगी, आ जाएगी। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, अभी जैसे ही ये 5 मिनट के बाद मुराद वापस आया तो ये जो अरम था उसने कहा कि भाई अभी मेरी टर्न आई, अभी राइड करने की बारी मेरी आई। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद था तो हॉर्स से क्या हो गया, नीचे उतर गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि भाई मेरी बारी के बाद मैं आपको क्या करूँगा, चांस दूँगा। तो यानी अभी मुराद की बारी जैसे कंप्लीट हो गई तो अभी अरम की बारी आई थी, तो इसीलिए जैसे उसने कहा भाई मेरी बारी आई तो ये जो मुराद था वो हॉर्स से क्या हो गया, नीचे आ गया। राइड ही से उसने कहा लो राइड करो, इस तरह से उसको हॉर्स दे दिया कि ले भाई आप क्या करो अभी राइड करो। आई लिप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, वो तो जंप लगा कर जिस तरह से मुराद बैठा था इसी तरह से वो जंप लगा कर ऊपर बैठ तो गया, लेकिन बैठने के बाद उसको लगा कि भी वो बहुत ही डर रहा था। क्यों? क्योंकि आज से पहले वो कभी भी हॉर्स पर राइड किया नहीं था, यानी आज तक उसने हॉर्स राइडिंग कभी की नहीं थी, यानी वो डर रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, अभी वो ऊपर बैठ गया लेकिन जो हॉर्स था वो हिल नहीं रहा था। ओके, क्यों नहीं हिल रहा था? क्योंकि उसको आगे जाने का कोई ऑर्डर मिल रहा नहीं था। ये जो अरम था उसको हॉर्स राइडिंग आती नहीं थी, तो हॉर्स को किस तरह से आगे बढ़ाना है वो जानता नहीं था, तो ऊपर तो बैठ गया लेकिन हॉर्स अभी अपनी जगह पर क्या था, फिक्स बैठा हुआ था। किक इन टू हिज मसल माई कज़िन मुराद सीड, अभी ये बैठा था लेकिन हॉर्स ज़रा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो मेरा जो कज़िन था मुराद उसने कहा किक इन टू हिज मसल्स, उसकी मसल्स पे क्या करो, आप किक मारो। ओके, किक मारो यानी जो आपने शूज़ या अपने चप्पल पहनी है तो उसकी जो हील है वो उसकी मसल पे क्या करो, मारो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, उसने कहा भाई आप उसकी मसल पर किक मारो, आप किसकी वेट कर रहे हो। ओके, वो किसकी वेट कर रहा था, वो वेट किसी की नहीं कर रहा था, लेकिन उसको राइड करना आता नहीं था, यानी उसको जैसे ही गाइडेंस मिला किसने दिया, मुराद ने, कि भाई उसकी मसल पर क्या करो, किक मारो। अभी वो क्या करेगा, किक मारेगा। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। ओके, तो ये मुराद ने कहा वी हैव टू टेक हिम बैक, उसको वापस ले जाना है, बिफोर एवरी वन इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, तो ये पूरी दुनिया यानी सब लोग उठ जाए, ओके, और बाहर आ जाए, तो उससे पहले हमें ये हॉर्स को क्या करना है, वापिस रख देना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, अभी जिस तरह से मुराद ने उसको कहा इसी तरह से ये जो आरम था उसने ये हॉर्स की जो मसल्स थी उस पर किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, फिर से ये जो हॉर्स था उसने अपने दोनों आगे के जो पैर थे वो क्या किए, एकदम ऊपर उठाए और स्नॉटेड यानी आवाज़ किया। देन इट बिगेन टू रन, और उसके बाद ये हॉर्स ने भागना शुरू किया। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, अभी हॉर्स तो भागना स्टार्ट हो गया लेकिन अभी उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, कौन से डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या करने का, किस तरह से हॉर्स को स्टॉप करने का, ये सब चीज़ ये अरम को पता नहीं थी। यानी ये बता रहा है कि भाई हॉर्स तो भागना तो स्टार्ट हो गया, आई डिडंट नो वॉट टू डू,
लेकिन मुझे अभी पता नहीं था कि मैं क्या करूं, क्योंकि हॉर्स कहीं भी जाता है, कहीं पर भी मोड़ना होगा, कहीं पर भी उसको रोकना है, तो ये सब चीज़ उसको आती नहीं थी, यानी कंफ्यूज था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द विनयार्ड ऑफ दिक्रान हलाबियन, वेर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। अभी उसको रियल में, जैसे ये मुराद उसको कहाँ ले गया था, भागता हुआ इरिगेशन डिच के पास लेकर गया था, लेकिन ये तो उसकी जगह, वो दूसरी जगह। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, अभी इंस्टेड ऑफ रनिंग एक्रॉस द फील्ड, ये फील्ड के ऊपर उसको खेत में दौड़ाना था, लेकिन वो खेत की जगह फील्ड टू द इरिगेशन डिच, ये इरिगेशन डिच की जो फील्ड थी वहाँ पर उसको दौड़ाना था, लेकिन वहाँ के जगह द हॉर्स रन डाउन द रोड, वो तो रोड पर क्या करने लगा, भागने लगा। उसको भगाना कहाँ था, खेत में भगाना था, लेकिन ये तो गलती से कहाँ चला गया, रोड पर चला गया। रोड कौन सा, टू द विनयार्ड, जहाँ पर वाइनयार्ड थी वहाँ पर चला गया, ऑफ दिक्रान, दिक्रान हलाबियन, ओके, ये जगह का नाम है, वहाँ की तरफ भागा। वेर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पर वो वाइन्स यानी जो ग्रेप्स थे उसके ऊपर से उसने जंप लगाया, जो हॉर्स था वो, जहाँ पर ये जो ग्रेप्स थी उसका छोटे जो प्लांट हो उसके ऊपर से जंप लगाया। द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, ये जो हॉर्स था वो 7 टाइम ये वाइन की जो छोटा प्लांट था उसके ऊपर उसने क्या किया, जंप लगा गया 7 टाइम। इस तरह से ये हॉर्स ने क्या किया, जंप लगाया, और इसकी वजह से ये जो राइटर थे अरम, वो सोचते हैं कि आई फेल, मैं गिर गया, ओके okay? वो जैसे जंप लगाया, 7 जंप लगाया, लेकिन वो 7 जंप में एक बार ये राइटर क्या हो गए, नीचे गिर गए। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, अब ये गिरने के बाद भी हॉर्स स्टॉप नहीं हुआ, हॉर्स तो कंटिन्यूसली क्या करता रहा, भागता रहा, ओके okay? तो ये जो राइटर थे वो हॉर्स से नीचे गिर गए थे, फिर भी ये जो हॉर्स था वो स्टॉप नहीं हुआ, और वो आगे ही आगे क्या करता गया, भागता गया। तो फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा कि मुराद ने जिस तरह से हॉर्स राइडिंग की, अभी जब वो वापस आता है तो अरम बोलता है भी अभी मेरी बारी, तो वो जो मुराद होता है बोलता है ओके अभी आप ड्राइव करो, वो उसके ऊपर क्या होता है, हॉर्स के ऊपर बैठ गया, लेकिन बैठने के बाद भी ये जो हॉर्स था वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तब ये मुराद ने कहा कि आप उसके जो मसल से उस पर क्या करो, किक मारो, कि जिसकी वजह से हॉर्स क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अभी जिस तरह से मुराद ने उसको कहा, इस तरह से उसने क्या की, उसके मसल्स यानी हॉर्स की जो मसल्स थी वहाँ पर किक मारी, और वो हॉर्स ने अपने दोनों जो आगे के पैर थे वो क्या किए, उठाए, और फिर आवाज़ किया, और फिर उसने क्या किया, भागना स्टार्ट किया। अभी जनरली उसको भागना कहाँ था, खेत में भागना था, लेकिन ये जो इरीगेशन डिच थे जो फील्ड में जो खेत में वहाँ भागना था, लेकिन वो तो हॉर्स रोड की तरफ भागने लगा, और रोड की तरफ क्या था, विनयार्ड्स थे, ओके तो विनयार्ड्स के जो छोटे मोटे प्लांट थे, ये हॉर्स उसको क्या करने लगा, जंप लगाने लगा, एक्रॉस करने लगा, कूदने लगा। तो हॉर्स ने 7 टाइम ये जो वाइंड्स थे उसके ऊपर क्या किया, जंप लगाए, लेकिन ये कूदते कूदते जब हॉर्स जंप लगा रहा था, तभी ये जो ये राइटर थे अरम, वो क्या हो गए, नीचे गिर गए। अभी नीचे गिरने के बाद भी ये जो हॉर्स था वो स्टॉप नहीं हुआ, जो हॉर्स था उसने तो अपनी रनिंग क्या रखी, कंटिन्यू रखी, यानी वो भागता ही गया। माय कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, अभी जैसे ही राइटर नीचे गिरे तो मेरा जो कज़िन था मुराद, वो भागता हुआ रोड पर आ गया, यानी मेरे पास आया, और कहा आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। तो ये आकर ये राइटर पर चिल्ला के कहता है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, तू जो गिनचे गिर गया उसकी वजह से मुझे कोई चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें कुछ किसी भी तरीके से हमें वो हॉर्स को क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, वो राइटर को बताते कि एक काम कर, तू ये रास्ते पे आगे बढ़, और मैं ये रास्ते से क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम,
अगर आपको वो मिलता है, बी काइंडली आई विल बी नियर, तो एकदम उससे के साथ काइंडली बिहेव करना, आई विल बी नियर और मैं आपके नज़दीक ही होऊंगा, यानी मैं कहीं दूर नहीं हूँ। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, वो रोड पर भागता गया क्योंकि वो हॉर्स को रोड से लेकर आया था और उसका जो कज़िन था मुराद, वो जो इरीगेशन डिच यानी जो फील्ड थी वो फील्ड की तरफ भागा, यानी दोनों लोग क्या कर रहे हैं, अभी हॉर्स को ढूंढ रहे हैं। हॉर्स ने क्या किया था, ये आराम को राइटर को नीचे गिराने के बाद वो भागकर कहीं चला गया था। ये मुराद आकर कहता है कि भाई अभी हमें किसी न किसी तरीके से वो हॉर्स को क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। और वो बोलता है कि तू इस तरफ भाग और मैं इस तरह से भागता हूँ, और वो जो आरम था उसको कौन सा रास्ता मिला था, रोड, तो वो रोड की तरफ आगे बढ़ता है और जो आरम था सॉरी मुराद था वो जो इरीगेशन डिच थे यानी जो फील्ड थी वो उसकी तरफ क्या करता है, भागता है। ओके, तो मुराद बोलता है उसके कज़िन को कि भाई आपको अगर आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, उसको एकदम काइंडली टैकल करना है और ये सोचना है मैं आपके नज़दीक हूँ। ओके, आई टुक हिम हाफ एन आवर, सॉरी इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड, अभी वो जो हॉर्स था उसको ढूंढने में आधा घंटा लग गया। ये जो हॉर्स था उसको ढूंढने में कितना लग गया, आधा घंटा लग गया। आधे घंटे में ये जो मुराद था उसने वो हॉर्स को फाइंड आउट कर दिया और उसको पकड़कर वापस लेकर आया। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, फिर बोलता है ऑल राइट उसने कहा और वो जंप लगाकर जैसे क्या हो गया, फिर से हॉर्स पर बैठ गया। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, मुराद ने कहा कि भी पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, अवेक, अवेक यानी जग गया है, यानी इन शॉर्ट दिन हो गया है। वॉट वी विल डू, आई सेड, मैंने कहा यानी जो आरम था राइटर उसने कहा कि वॉट विल वी डू, हम क्या करेंगे, पूरा वर्ल्ड जैसे उसने कहा कि पूरा वर्ल्ड यानी सब लोग उठ गए हैं, तो ये जो आरम बोलता है अभी हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टूमोरोज मॉर्निंग। तो जो मुराद था उसने कहा कि भाई हम ये हॉर्स को, उसके पास दो रास्ते थे, फर्स्ट क्या था कि उसको हम क्या करते हैं, वापस ले जाते हैं जहाँ से वो चुरा कर लाया था वहाँ वापस रख देते हैं, और दूसरा क्या रास्ता था कि उसको कहीं छुपा देते हैं, कब तक, टूमोरो मॉर्निंग यानी कल मॉर्निंग है, कल मॉर्निंग है तब तक हम उसको कहीं क्या करते हैं, छुपा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हॉर्स को यानी पूरा दिन हो गया था कि जिसकी वजह से अभी वो दिन में हॉर्स के ऊपर बैठकर वो राइड कर सकते नहीं थे क्योंकि ये जो हॉर्स था उन्होंने चुराया था, तो इसकी वजह से मुराद बोलता है कि हम उसको या तो क्या करते वापस रख कर आते हैं या फिर हम कल मॉर्निंग तक हम उसको कहीं क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। ही डिडंट साउंड वरीड, उसकी जो आवाज़ थी उसमें कोई वरीड यानी कोई चिंता जैसा नहीं था, यानी मैं समझ गया, यानी कौन, ये राइटर समझ गया कि ये जो मुराद है वो हॉर्स को वापस देने वाला नहीं है। इंसोर उसने दूसरा ऑप्शन जो था कि भी उसको कहीं क्या करते छुपा लेते, तो डेफिनेटली ये जो मुराद है वो हॉर्स को छुपा देगा, उसको वापस देगा नहीं। ओके, तो ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। तो उसकी आवाज़ से मुझे पता चल गया कि इसमें कोई वरीड नहीं है, दैट मीन्स ये हॉर्स को कहीं क्या करेगा, छुपा देगा, वो वापस देने वाला नहीं है। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, अभी तो नहीं कोई भी रेट पर, यानी अभी उसको वापस देने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, तब राइटर उसको पूछते हैं कि वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसको कहाँ छुपाएंगे, हॉर्स को तो लेकर आए थे लेकिन अभी दिन हो गया था,
दिन के टाइम पर वो उसके ऊपर बैठकर वो राइड कर सकते नहीं थे। ओके, तो ये जो राइटर है पूछता है कि भाई हम इसको कहाँ पर छुपाएंगे, तब ये मुराद क्या आंसर देता है कि आई नो अ प्लेस, ही से ही यानी मुराद, मुराद ने कहा कि आई नो अ प्लेस, मैं वो जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील द हॉर्स, आई सेड। अभी ये जो राइटर है वो समझ गया कि भाई ये हॉर्स, ये उसने बोला मैं जगह जानता हूँ, दैट मीन्स ये हॉर्स उसने आज नहीं चुराया, उसने बहुत टाइम पहले चुराया होगा। तो पूछता है कि हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, ये जो हॉर्स है वो आपने कब से चुराया है। क्या पूछता है आराम, वो मुराद को पूछता है कि भाई ये जो हॉर्स है वो आपने कब से चुराया है। तो इट सडनली ड्रॉन ऑन मी एंड दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली। तो सडनली वो उसके सामने गुस्से होकर देखता है और कहता है कि आज मॉर्निंग में ही मैंने ये हॉर्स को क्या किया है, अर्ली मॉर्निंग को ही राइड करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग को ही राइड करने के लिए मैंने उसको क्या किया है, चुराया है। एंड हैड कम टू मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड। उसने कहा कि आज मॉर्निंग ही मैंने चुराया है और मैं जानता था कि तुझे ये हॉर्स राइडिंग बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं उसको तेरे पास लेकर आया हूँ। यानी ये जो मुराद है ये यहाँ पर ये जो राइटर है उसको कह रहा है कि भी ये हॉर्स उसने आज मॉर्निंग में ही चुराया है और मैं जानता हूँ कि ये राइटर को यानी अरम को ये हॉर्स राइडिंग बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसे यानी अरम के पास लेकर जाता है हॉर्स राइडिंग के लिए। वो सेड एनी थिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। दूसरा मुराद ने कहा कि किसने कहा कि मैंने ये हॉर्स चुराया है, कौन कहता है कि मैंने ये हॉर्स क्या किया है, चुराया है। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, एनी हाउ अभी मैंने कहा कि भाई आप कल मॉर्निंग में अभी कितने बजे आप राइड करोगे। ओके, अभी चुराने की बात जान दो, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो शायद जो मुराद है वो उसको राइड पर नहीं लेकर जाएगा और वो अकेला ही क्या करेगा, राइड करेगा। तो अभी ये जो राइटर है वो बात को क्या करता है, बंद करता है। वो बोलता है कि अच्छा अभी मुझे क्या पूछना था कि भाई अभी कल मॉर्निंग में कितने बजे आप इसको क्या करते हो, राइड करते हो, यानी एवरी मॉर्निंग आप कितने बजे ये हॉर्स को क्या करते हो, राइड करने के लिए ले जाते हो। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ कितने बजे आया था, 4 बजे आया था, किसको उठाने के लिए, अरम को। यानी इन शॉर्ट वो उससे पहले से ही उसको क्या होता है, राइड करने के लिए निकल जाता होगा। यानी वो टाइम जानना चाहता है कि भाई आप डेली एवरी डे एवरी मॉर्निंग आप ये हॉर्स को कितने बजे राइड के लिए निकालते हो, कितने बजे उस पर बैठकर राइड करते हो। तो ये बात किसने पूछी, अरम ने मुराद को पूछी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये जो मुराद था वो हॉर्स राइडिंग अच्छी तरह जानता था, अभी ये जो अरम था उसका कज़िन था, जब उसने कहा कि मुझे राइड करने के लिए दो तो उसने उसको हॉर्स दिया, लेकिन ये जो हॉर्स था वो क्या हुआ, वो एक जो वाइन यार्ड थी उसको जंप लगाते लगाते 7 वाइन यार्ड को जंप लगाते लगाते वो एक जगह ये जो अरम था राइटर वो गिर गया। और जैसे ही गिरा वो हॉर्स ने अपना ही रनिंग अपना भागना स्पीड क्या रखी, कंटिन्यू रखी। तो ये मुराद भागता भागता वहाँ पर आया और वो क्या करता है, वो अरम को कहता है कि भाई तुझे तू गिरा इसकी वजह से मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन हमें हॉर्स को किसी न किसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तू ये रास्ते से जा, मैं ये रास्ते से जाता हूँ। इस तरह से दोनों अलग अलग रास्ते की तरफ भागे और आधे घंटे में ये मुराद ने वो हॉर्स को क्या किया, फिर से पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद कहता है कि भाई अभी दिन हो गया है, हमें ये हॉर्स को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो दो रास्ते थे कि एक तो उसको वापस रख कर आए और दूसरा था कि
करके उसको कहीं छुपा देवे। अभी ये अरम मुराद की बात सुनकर अरम को ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये जो मुराद है वो हॉर्स को अभी क्या करेगा, वापिस देगा। ओके, तो उसको लगा कि भाई हम वापिस तो नहीं देंगे लेकिन हम उसको छुपाएंगे कहाँ। तब मुराद ने कहा मेरे पास एक जगह है। ओके, तब वो ये पूछता है कि भाई आपने ये हॉर्स कितने टाइम पहले क्या किया, चुराया है। तभी ये जो आरम था एकदम गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोलता है कि भाई मैंने चुराया नहीं है। ओके, मैं तो ओनली क्या करता हूँ, यानी बोला कि मैंने तो आज मॉर्निंग में ही ये हॉर्स के ऊपर बैठकर मैंने क्या किया है, राइड किया। यानी इंसोर्ट वो कहता है कि मैंने आज मॉर्निंग में उसको कहीं से क्या कर गया, लेकर आया है। यानी इंसोर्ट वो बताता नहीं है कि कितने टाइम पहले उसने एग्जैक्टली ये हॉर्स को चुराया है, लेकिन वो मनगढ़ंत कहानी से बोलता है आज मॉर्निंग में ही राइड करने के लिए मैंने उसको क्या किया है, चुराया है, और मैं उसको वह क्या करता हूँ, राइड करता हूँ। अभी दूसरी बात उसने कहा कि भाई आपको किसने बोला है कि मैंने चुराया, ये जो हॉर्स आप बता रहे हो कि मैंने चुराया तो चुराया किसने है, मैं तो ओनली क्या करता हूँ उसकी राइड करता हूँ। अभी राइटर को लगा कि भाई एनी हाउ जो भी है एक्स वाई जेड, लेकिन मुझे उसको ये सब क्वेश्चन नहीं करना है। अभी उसने डायरेक्ट एक क्वेश्चन किया कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग, ओके, आप एवरी मॉर्निंग कितने बजे ये हॉर्स को राइड करने के लिए क्या करते हो, लेकर बाहर निकलते हो, क्योंकि अभी उसने कहाँ छुपाया था, एक विनयार्ड था वहाँ पर उसको क्या करते छुपा देते हैं। देखते आगे एक पैराग्राफ, नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, तो जब तक मॉर्निंग नहीं होती है तब तक हम उसको निकालता नहीं हूँ। आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सेड, यहाँ राइटर उसको पूछ रहे कि तू जो बता रहा है वो सही है, ऑफकोर्स नॉट, सही नहीं है ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हमें किसी ने फाइंड आउट कर दिया, दैट्स वॉट यू आर से, जैसा आप बता रहे हो, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, तो हम दोनों क्या गिनाएंगे, लायर, पागल, यानी झूठे, हम क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे गिनाए जाएंगे लायर्स को, नहीं क्या होता है झूठ बोलना। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, ओके, ऑल यू नो, तू जानता है कि आज मॉर्निंग से ही हमने ये राइड क्या करना किया, स्टार्ट करना कि आज मॉर्निंग से, यानी आज मॉर्निंग से हमने ये राइडिंग क्या की है, स्टार्ट की है। ओके, तो इन शॉर्ट ये बताता है कि उसने आज से ही, आज मॉर्निंग से ही ये राइडिंग, ये हॉर्स को कहीं से उठाया है और आज से उसने मॉर्निंग में ही क्या किया, राइडिंग स्टार्ट की है। इन शॉर्ट वो जो पूछना चाहता था आराम ने उसको बताया कि भाई तू डेली कितने बजे लेकर उसको राइड के लिए तू बाहर निकलता है, तो बोलता है कि भाई मैंने आज मॉर्निंग से उसको क्या किया है, चुराया है। यानी वो बताता नहीं है रियल में उसने ये जो हॉर्स था उसको एक महीने पहले एक फार्मर है जिसका नाम यहाँ पर दिया है जॉन बायरो के फार्म में से ये हॉर्स को ये मुराद ने क्या किया था, चुराया था। चुराना मीन्स उसका पर्पज़ ये नहीं था कि उसको बेचकर पैसे खड़े करें, लेकिन ये हॉर्स की राइडिंग, हॉर्स राइडिंग उसको सीखना था। अभी उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि नया हॉर्स क्या कर सके, परचेस कर सके, तो हॉर्स सीखने के लिए उसने ये हॉर्स को वहाँ से क्या किया, चुरा लिया। और वो डेली मॉर्निंग दिन होने से पहले, यानी जैसे यहाँ पर टाइमिंग दिया है मॉर्निंग में 4 बजे, यानी दिन होने से पहले ही वो क्या करता था, हॉर्स के ऊपर बैठकर वो हॉर्स को लेकर क्या करता था, घूमता था, और इस तरह से वो राइडिंग क्या करता था, सीखता था। और उसकी जो ख्वाहिश थी, जो इच्छा थी, जो राइडिंग का शौक था, हॉर्स पर बैठने का जो शौक था, वो क्या करता था, एंजॉय करता था, फुलफिल करता था। और उसको लगा कि भाई मेरा जो कज़िन है आरम, उसको भी हॉर्स राइडिंग अच्छी लगती है, तो वो उसके घर ले जाता है और उसको भी अपने घर से क्या करता है, उठाकर वो हॉर्स के पीछे बिठाकर वो उसको भी क्या करता है, अलग अलग जगह घुमाता है, और फिर लास्ट में उसको भी चांस देता है कि वो खुद अकेला वो हॉर्स पर बैठे और वो क्या करे, हॉर्स राइडिंग करे, यानी वो भी एंजॉय करे, ऐसा सोचता है। ओके, और इस तरह से उसको भी क्या करता है, बिठाता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये जो लेसन है मैंने यहाँ तक जो एक्सप्लेन किया
आपको पता चल गया होगा। तो हर एक लेक्चर के बाद एक आपको पीडीएफ रखी जाएगी, उसमें जो पीडीएफ है वो आपका होमवर्क है, वो आपको कंपलसरी करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।